मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश अभी हाल ही में बहुत अधिक राजनीतिक उठापटक से निकला है। इस राजनीतिक उठापटक ने हम लोगों को संवैधानिक दृष्टिकोण से कुछ सोचने के लिए मजबूर किया है और आज मैं कुछ उन्हीं संवैधानिक मुद्दों की चर्चा आपसे करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसमें राज्यपाल की भूमिका को लेकर बहुत अधिक बातें की गई, विशेष रूप से राज्यपाल की विश्वास मत या फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या भूमिका हो सकती है, ये भी बहुत अधिक चर्चा का विषय रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को इस पर अपना अंतिम निर्णय दे दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। हम सब लोग जानते हैं कि आज प्रजातंत्र को एक सार्वभौमिक राजनीतिक मूल्य, यूनिवर्सल पॉलिटिकल वैल्यू के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, अर्थात आज उसी देश को हम सफल देश मानते हैं जहां पर प्रजातंत्र स्थायी रूप से है और प्रजातांत्रिक आधारों पर वो देश चलता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विशेष रूप से संसदात्मक शासन व्यवस्था जहां पर है वहां पर चुनी हुई सरकार को व्यवस्थापिका के विश्वास के आधार पर ही कार्य करना पड़ता है। यही प्रजातांत्रिक संसदात्मक सरकार का आधार होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, अर्थात अपने प्रत्येक कार्य के लिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, आंसरेबल होती है। और जहां पर जिस जगह पर व्यवस्थापिका को ये लगता है, सदन को ये लगता है कि सरकार ने अब उनका विश्वास खो दिया है, चाहे वो संख्या की वजह से, चाहे वो किसी नीति की वजह से, तो ऐसी स्थिति में यदि ये सिद्ध हो जाता है कि अब बहुमत उस सरकार के साथ नहीं है तो उस सरकार को जाना पड़ता है। तो ये कैसे पता लगेगा हमें समय समय पर कि सरकार को सदन का या व्यवस्थापिका का विश्वास है? इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें ये बहुत सारे मोशंस आते हैं जिनको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन या ट्रस्ट वोट या फ्लोर टेस्ट आदि के नाम से जानते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव साधारण रूप से विपक्ष द्वारा लाया जाता है जब विपक्ष ऐसा महसूस करता है कि सत्ता पक्ष के पास सदन का बहुमत नहीं है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर जो विश्वास प्रस्ताव है वो तब लाया जाता है जब जो सत्ता पक्ष है वो इस बात को सदन में सिद्ध करती है कि विश्वास उनके साथ है और इसलिए उनको सरकार में बनाए रखने का, सत्ता में रहने का अधिकार है। तीसरी सी जो फ्लोर टेस्ट है या जिसको ट्रस्ट वोट भी कहा जाता है वो उस स्थिति में कराया जाता है सदन के पटल पर जब केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति या राज्य के स्तर पर राज्यपाल ऐसा महसूस करे कि जो सरकार सत्ता में है उसके पास सदन का बहुमत डाउटफुल है, पता नहीं कि बहुमत है या नहीं है, तो इसको सिद्ध करने के लिए, इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए कि सत्ता में रहने का उनको अधिकार है या नहीं, इसके लिए फ्लोर टेस्ट के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल उसको आदेश दे सकते हैं। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट भी होता है। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट या संयुक्त, जिसको हम फ्लोर टेस्ट कहते हैं या सदन पर, सदन के पटल पर विश्वास मत अर्जित करना कहते हैं, वो तब होता है जब एक या एक से अधिक लोग सत्ता पर अपना बहुमत
क्लेम करते हैं। तो कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के लिए भी राष्ट्रपति या राज्यपाल आदेश दे सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1917 में एक बहुत प्रमुख केस चंद्रकांत केवलकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा था कि फ्लोर टेस्ट कराना प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करता है। तो इन परिस्थितियों में हम जानते हैं कि ये विश्वास मत या अविश्वास मत या फ्लो टेस्ट कराए जाते हैं। अब यहाँ पर मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आती है कि क्या भारतीय संविधान में इस प्रकार के मतों की, इसको हमने विश्वास मत अविश्वास मत या फ्लो टेस्ट कहा, क्या उनका कहीं उल्लेख है। तो मैं ये आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि स्पष्ट रूप से संविधान में इस प्रकार के मतों का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। ये जो लोकसभा की रूल बुक है, जो लोकसभा के कार्यवाही को चलाने की प्रक्रिया के लिए बनाई गई नियमों का संग्रह है रूल बुक, उसके रूल 184 और रूल 198 में इसका उल्लेख है। 184 कहता है कि विश्वास मत की प्रक्रिया क्या होगी और 198 अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है, जिसके अंदर फ्लोर टेस्ट भी शामिल है। और इसकी जो अथॉरिटी है वो संविधान में वर्णित है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 118 में ये लिखा हुआ है कि संविधान के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए नियमों का समय समय पर निर्माण करती रहे। तो ये 118 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो क्या नियम बनाती है। और इसी के साथ में हमको अनुच्छेद 75 की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो भारतीय संविधान में है, जो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल कलेक्टिवली बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यानी कि लोकसभा को ये अधिकार स्वतः प्राप्त है कि वो ये जांच कर सके कि बनाई हुई सरकार उसके विश्वास के आधार पर काम कर रही है अथवा नहीं। अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव है और उसी में अंतर्निहित जो विश्वास प्रस्ताव, साथ साथ ही हम लोग दोनों की चर्चा कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर लगभग मोर और लेस समान होती है। यहाँ पर मैं संसद में किस प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है उसके प्रावधानों या उसकी प्रक्रिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो लोकप्रिय सदन है संसद का, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, केवल उसी में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए और इसको स्पीकर इंश्योर करता है कि कम से कम 50 लोग इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में है। और इसके लिए जब ऐसा उसको महसूस हो जाता है कि 50 लोग, या उसको सिद्ध हो जाता है कि 50 लोग इस मत के समर्थन में हैं नो अविश्वास प्रस्ताव लाने के, तब वो 10 दिन के अंदर, आगामी 10 दिन के अंदर कोई एक डेट फिक्स करता है जब इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की वो घोषणा करता है, जिसमें वो टाइम अलॉट करता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को कितना कितना समय मिलेगा अपनी बात को कहने का, और उसके बाद फिर उस पर वोटिंग होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात है, क्या स्पीकर इन प्रक्रियाओं के माध्यम से आए हुए अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त भी कर सकता है? ऐसा नहीं है। स्पीकर का काम केवल ये देखना है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए वो इन ऑर्डर है या नहीं। अगर वो ये देखता है
कि सारी प्रक्रिया इन ऑर्डर है तो उसको डिसअलाउ करने का या रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है। ऐसा एक केस 2018 में हुआ, लोग जानते हैं, जब टीडीपी ने, तेलुगु देशम पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया और उस समय मोदी सरकार थी, मोदी सरकार के विरुद्ध लाने का प्रयास किया और उस समय की जो स्पीकर महोदया थीं उन्होंने ये कहा कि ये हाउस इन ऑर्डर के अंदर नहीं आता, यानी कि इसमें कुछ प्रक्रियाओं की कमी है। हालांकि वो प्रस्ताव प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण से उचित था लेकिन उसको उन्होंने अलाउ नहीं किया, जिसका बाद में बहुत अधिक क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत अधिक निंदा हुई और ये कहा कि स्पीकर महोदया ने अपनी दी गई पावर्स के एक्सेस में जाकर, पावर्स के बाहर जाकर ये डिसीजन लिया। जब कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसको तीन माध्यम से सदन के पटल पर चेक किया जाता है, या तो वॉइस वोट के आधार पर, जहाँ पर ध्वनिमत जिसे हम कहते हैं, दूसरा डिवीजन वोट के आधार पर, यानी कि जहाँ पर वोट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किया जाएगा या कागज़ पर रिकॉर्ड किया जाएगा या बैलेट बॉक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और तीसरा होता है बैलेट वोट, यानी कि सीक्रेट, गोपनीय मत जब डाले जाते हैं और गोपनीयता के आधार पर उन वोट्स को काउंट किया जाता है। तो ये तीन तरीके हैं जिसके माध्यम से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको चेक किया जाता है। लोकसभा में, संसद में अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो अब तक करीब 27 बार, स्वतंत्रता से आज तक करीब 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उस समय आचार्य कृपलानी जी उनके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव मित्रों मिसेज इंदिरा गांधी के विरुद्ध की सरकार के विरुद्ध आया था, 15 बार मिसेज इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था। अब हम देखते हैं कि दो बार ऐसा हुआ जब अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकारों को जाना पड़ा। एक बार तो 1979 में जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और उस समय जो प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई जी, उनको लगा कि वो इस अविश्वास प्रस्ताव में हार जाएंगे तो उन्होंने डिस्कशंस के बीच में ही त्याग पत्र दे दिया और सरकार चली गई। दूसरी बार हम सब लोग जानते हैं, बहुत चर्चित रहा, अप्रैल 1999 में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी और जो केवल एक मत से उनके पक्ष में 269 वोट पड़े थे और उनके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 270 वोट पड़े थे, एक मत से उनकी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर हार प्राप्त की थी और वाजपेयी सरकार को जाना पड़ा। रिसेंटली हम देखते हैं जो सबसे हमारे सामने अविश्वास प्रस्ताव का उदाहरण है लोकसभा में, वो मोदी सरकार के अगेंस्ट है जो कि अभी रिसेंटली हुआ था और 2019 में ये प्रस्ताव आया था, 2018 में ये प्रस्ताव आया था जिसमें 325 अविश्वास प्रस्ताव के अगेंस्ट वोट पड़े थे और 115 अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़े थे और मोदी सरकार ने इस पर विजय प्राप्त की थी। ये तो लोकसभा की बात है। राज्यों में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बड़ी चर्चा इधर हाल फिलहाल रही और विशेष रूप से कर्नाटक में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा और अब मध्य प्रदेश में हमने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत चर्चित विषय के रूप में सामने आया था। अब जब हम राज्यों की ओर देखते हैं तो राज्यों में हम देखते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी क्या स्थिति है। हम लोग जानते हैं कि राज्यों में राज्यपाल,
राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और राज्यों की विधानसभाएं लेजिस्लेटिव असेंबलीज लगभग उसी प्रकार से कार्य करती हैं जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा कार्य करती है। गवर्नर को, राज्यपाल को यह अधिकार है कि उन परिस्थितियों में, जैसे कि यदि राज्य में इमरजेंसी है अंडर आर्टिकल 356, या राज्य का मुख्यमंत्री लिखित रूप से इस प्रकार का प्रस्ताव दे, या नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के विरुद्ध पास हो जाए, ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। और यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है और वो पास हो जाता है, यानी कि सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव बहुमत द्वारा सिद्ध कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य की सरकार को केंद्र की तरह जाना हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर ये आगाह किया है, ये निर्देश किया है राज्यपाल को कि राज्यपाल इस बात की निगरानी रखे कि राज्य में जो भी सरकार चल रही है वो जनप्रतिनिधियों के या लेजिस्लेचर के, विधानसभा के विश्वास पर ही चले, और यदि किसी भी समय पर कुछ MLAs विधानसभा में दल बदल करते हैं या रिज़ाइन करते हैं, या कुछ और इस प्रकार की परिस्थिति आती है कि जहां पर सरकार अल्पमत में आने की संभावना दिखती है, वहां पर ये गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो बहुत कॉशस रहे और बहुत केयरफुल रहे, विजिलेंट रहे, और कहीं पर भी अगर गवर्नर को महसूस होता है कि सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकता है। ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में इस प्रकार की बात कही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में भी सामने आई, जो SR बुम्बई बहुत फेमस केस जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे था 1994 का, उसमें भी ये बात उभर कर सामने आई कि ऐसी परिस्थितियों में जब राज्य में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है या नहीं होता प्रतीत होता है, तो उस स्थिति को जज करते हुए बहुत सारे विशेष अधिकार राज्यपाल के पास होते हैं जिनको वो सिचुएशन को असेस करके उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 356 है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन होने पर राज्य में आपातकाल लगा देना, ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। उससे पहले के जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, जितने उससे पहले के जितने भी रास्ते हैं, वो सब राज्यपाल को अपना लेने चाहिए। मित्रों, अब इस संदर्भ में, इस पृष्ठभूमि में हम लोग एक बहुत संक्षिप्त रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति को देखते हैं कि वहाँ क्या। हम सब लोग जानते हैं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, तो उनके साथ करीब उस समय के 22 सिटिंग MLAs जो कांग्रेस के थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। और ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत हुआ कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जो बहुत पुरानी नहीं थी, करीब 1.5 साल पुरानी ही सरकार थी, उसने सदन का या विधानसभा का विश्वास खो दिया है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी, जो उसकी काउंटर अपोजिशन थी और बहुत कम मार्जिन सीट्स का दोनों में डिफरेंस था, उसने ये गवर्नर से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कमलनाथ जी की सरकार, जो कि सत्ता में उस समय थी, उसने अपना बहुमत खो दिया है और इसलिए सदन में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और विश्वास मत के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में गवर्नर साहब ने, राज्यपाल जी ने स्थितियों का आकलन किया और उसके आधार पर यह कहा कि इन परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ संशय सरकार को लेकर है। उस समय के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी से ही कहा कि वो 16 मार्च को फ्लोर
फ्लू टेस्ट कराए। इसके प्रत्युत्तर में कमलनाथ जी ने गवर्नर साहब से ये कहा कि फ्लू टेस्ट कराना या ना कराना ये विशेषाधिकार स्पीकर का होता है, और इसलिए ऐसी स्थिति में ये वो बाध्य नहीं है कि वो राज्यपाल के इस निर्देश को माने। उसके बाद हम लोग जानते हैं जब बजट सेशन बुलाया गया, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके तुरंत बाद ये कहा गया कि चूंकि इस समय देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसलिए हम सदन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाएंगे और बिना किसी फ्लू टेस्ट को कराए हुए सदन को उस समय के लिए सदन को उस समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया, और ये कहा गया कि अब एडजर्न किया जाता है इसको। गवर्नर राज्यपाल जी ने पुनः एक बार सीएम कमलनाथ जी को ये लिखित रूप से कहा कि आपने फ्लोर टेस्ट नहीं कराया, आपको एक मौका और दिया जाता है, आप दोबारा से सदन को बुलाइए, फ्लोर टेस्ट कराइए, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने सदन का विश्वास खो दिया है और आप अल्पमत में आ गए। इसी बीच में जो विपक्ष के नेता थे श्री शिवराज सिंह चौहान जी और 15 बीजेपी एमएलए, वो लोग सर्वोच्च न्यायालय में रिट के माध्यम से चले गए, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार ने अपना मत खो दिया है, विश्वास मत खो दिया है, फ्लोर टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, इसलिए उनको आदेशित किया जाए कि वो फ्लोर टेस्ट कराएं, जबकि राज्यपाल जी ने उनको कहा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक रूप से ये निर्णय दिया कि गवर्नर का डिसीजन सही है और गवर्नर को इस बात का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए निर्देश दे सके, और इसलिए आप तुरंत, हालांकि जो अगली सदन की बैठक थी वो 26 मार्च को बुलाई गई थी, उससे पहले ही आप जो है वो फ्लोर टेस्ट कराएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। शायद मेरे ख्याल से 21 मार्च एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है, 21 मार्च शायद वो डेट थी कि 21 मार्च को आप इसको कराएं। फ्लोर टेस्ट कराया गया, हम सब लोग जानते हैं, और फ्लोर टेस्ट कराने की तैयारी की जा रही थी, उससे पहले ही कमलनाथ जी को ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने विश्वास सदन का खो दिया है, तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही इनफैक्ट उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और दूसरी सरकार वहां पर स्थापित हुई। 13 अप्रैल को इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फाइनल जजमेंट दिया, और उस फाइनल जजमेंट में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से, हालांकि उसकी कोई करंट रिलेवेंस इसलिए उस समय तक नहीं रह गई क्योंकि तत्कालीन सरकार जा चुकी थी और बीजेपी की सरकार वहां पर सत्तारूढ़ हो चुकी थी, लेकिन संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो कमलनाथ जी का स्टैंड था या जो उनके काउंसिल्स का स्टैंड था कि गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश नहीं दे सकता, वो गलत है। एसआर बुम्बई केस 1994 को बेस मानते हुए, जो कि 9 जज जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि गवर्नर को ऐसा महसूस होता है कि सरकार ने अपनी अपनी मेजॉरिटी खो दी है, अपना बहुमत खो दिया है, तो गवर्नर को इस बात का, राज्यपाल को इस बात का अधिकार है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेशित कर सके। यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें राज्य के सरकारों के संबंध में, राज्य की सरकारों की विश्वसनीयता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिनको मैं आपके सामने रखना यहाँ पे चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो ट्रस्ट वोट होता है, जो विश्वास मत होता है, ये किसी भी सरकार की विश्वसनीयता को जांचने के लिए कभी भी आवश्यक होता है, इसलिए गवर्नर को जब भी यह संशय होगा कि राज्य की सरकार ने
विश्वास सदन का खो दिया है तो वो ट्रस्ट वोट कर सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नर को, राज्यपाल को ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका कोई भी एक्शन किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में तो नहीं है, वो किसी विशेष राजनीतिक दल को फेवर तो नहीं कर रहा है। यदि ऐसा होगा तो राज्यपाल की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो हम लोगों के दृष्टिकोण से कहा वो ये कि ट्रस्ट वोट या फ्लोर टेस्ट कब होगा, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उभर कर मध्य प्रदेश के केस में सामने आ रही थी कि कब हो। कमलनाथ सरकार उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी, बीजेपी दल भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी हो। इन चीज़ों को लेकर बहुत गर्मा गर्मी हुई थी। उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रस्ट वोट की टाइमिंग निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है और सभी दल इस पे इक्वल रिस्क पर होते हैं, सबको बराबर का खतरा होता है। हो सकता है कि अगर उसको लंबे समय तक के लिए खींच दिया जाए तो हॉर्स ट्रेडिंग या गलत प्रैक्टिसेस हो जाएं। इसलिए ट्रस्ट वोट जल्दी से जल्दी होना चाहिए और ये एक संसदीय शासन व्यवस्था की एक ही विशेषता है और इसी तरीके से ये कार्य करता है। इसमें किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान तो होगा ही होगा। ये गवर्नर की जिम्मेदारी है, राज्यपाल की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये कोर्ट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि जो भी ट्रस्ट वोट हो रहा है या जो विश्वास मत सदन में हो रहा है वो पूरी फेयर तरीके से हो, निष्पक्षता के साथ हो और उसमें कहीं पर भी कोई बल का, कोई धन का, कहीं कोई हिंसा का कोई स्थान ना हो। ऐसी स्थितियों में गवर्नर की भूमिका बहुत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि जो संसदीय शासन व्यवस्था का, प्रजातंत्र का मूल आधार है, नॉर्म ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि संयुक्त उत्तरदायित्व का अधिकार, कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक वी स्विम टुगेदर वी सिंक टुगेदर, पूरी सरकार एक साथ होती है और अगर किसी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिमंडल के ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह है तो ऐसी स्थिति में विश्वास मत सदन का प्राप्त करना नितांत आवश्यक है और यदि वो विश्वास खो देते हैं तो संपूर्ण सरकार को जाना होता है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए 13 अप्रैल को जो अपना निर्णय दिया वो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और जो राज्यपाल की ऐसी स्थितियों में भूमिका को हमेशा स्पष्ट करता रहे। मेरे ख्याल से मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।